अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और एक नया दिन और एक नए व्लॉग में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। चले आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये आज हम अपने मामू के घर आए हैं, उनको ईद का गोश्त देने के लिए, क्योंकि बस बिजी थे हम लोग, तो उनका गोश्त हमने अपने फ्रीज़र में ही रख लिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर लगे। क्या हाल चाल है। और अब हम देखते हैं जी उनकी ये खूबसूरत पेट। ये पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में मैंने इनका ब्लॉग बनाया हुआ है। यस, और दूसरी वाली किधर है, द ब्राउन वन? वो नीचे। ब्राउन 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 वाली किधर है? नीचे। वो छुप जाती है, वो देखें जी, वो छुपी हुई है एक अदद। वाओ, आइज़ा इसका क्या नाम है, स्टेसी? यस। और नैन्सी, ये वाइट वाली नैन्सी और वो स्टेसी। हेलो, बड़ी फ्रेंडली हैं। और बस अभी हम लोग जो है यहाँ पर बैठेंगे, चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो जी मैं आई हूँ किचन में, मेरी कज़न ने इतना कुछ बनाया हुआ है। वाओ फातिमा, बहुत भूख लग रही है सीरियसली। बस आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं लूंगी, मुझे पता है कि तुम तैयार नहीं हो। ओके, और ये चाय बनाने लगी, चाय बनाने लगी हो। हाँ चलो ठीक है, चाय बनाओ। और शिट, ये मैं थोड़ा सा आपको उनका किचन भी दिखा लूँ। उन्होंने नया घर बनाया माशाल्लाह, ये देखें जी। और बस फातिमा मामू किधर हैं? फेक मामू वो भी काम में आ रहे हैं। चलो ठीक है। और ये दोनों जो हैं यहाँ पर, ये क्या टीवी देख रही हैं? गेम माउस। वाओ, इनको भी मतलब चूहे ही पसंद। नहीं, वो छोटी वाली इवान थोड़ा इसको तंग करती है, सोफे के नीचे फोन रख देती है। और बस हम लोग यहाँ पर बैठ के अब बातें शाते कर रहे हैं। ये है जी बिल्लियों का दूध। हाँ वो वाइट है तो लग रहा है दूध है, पानी है। अदीन को सारा पता है। अदीन, इनका ये इनका कैट फूड है। ओहो, ये कैट है। और कैट उधर छुपे हुई है। और तैयब साहब जो अपना काम कर रहे हैं बैठ के, और वो कैट जो है वो आ गई है ऊपर। गाइस आज गर्मी बाहर बहुत ज्यादा है सीरियसली, अंदर कमरों में ही सुकून है सीरियसली। और ये जो मेरी मामी है वो काम कर रही है किचन में। क्या कर रही हैं आप? मैं आप लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। सबके लिए चाय बना रही है। वाह जी वाह। और ये मजे मजे के कबाब, यार भूख बहुत लग रही है। बस दो मिनट रुको, मैं अच्छी से चाय। तो ये आ गया है मजे मजे का जो है वो, टी टाइम के स्नैक्स आ गए हैं। और बच्चे जो है वो सामने उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आप भी आ जाए। आ जाए नहीं, चाय पीते हैं। चेक करेंगे, मौसम बहुत ही प्यारा है और हम लोग ग्रोसरी करने आ गए हैं। तो आज आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मैं ग्रोसरी कैसे करती हूँ। वैसे आज हमने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें घर में बिल्कुल ही फिनिश हुई है ग्रोसरी वगैरह के बाद। तो चलते हैं। तो जी ये कंप्लीट एक ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर हम आए हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जी पहले मैं आई हूँ अपने बालों के लिए कुछ लेने, हेयर ऑयल वगैरह। तो ये रिकमेंड किया है भाई खड़े ने, उन्होंने कि ये वाला ऑयल जो है मैंने लिया है सेवन ऑयल, ये वाला हेयर ऑयल है। तो मैं ये लेती हूँ, ये ट्राई करूँगी मैं। अच्छा एक दो मिनट, कौन सा है मैं उसे चेक करें, कौन सा मेरे को देख रहा है। अदीन अदीन, ये क्या लिया आपने? ये
थोड़े मामी ने ज्यादा चीजें लिया, ये मैंने 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 लिया। अदीन आपने इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा आपने जो है ना वो जंक फूड ले लिया है। मैंने खाते ये लिया, ये लिया, ये लिया, बस इसकी शॉपिंग अपनी चल रही है। अजी बबल लग रही है। और अभी ये अभी और क्या लेना है अदीन ने? अभी मेरे सब चीजें लेने हैं। इमान अपनी ट्राली लो, स्किन में डालो। अच्छा अब हम लोग जब भी ग्रॉसरी करने आ रहे हैं तो सीरियसली ये जो इम्पोर्टेड जितनी भी ये है कॉस्मेटिक वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, स्पेशली ये डेली यूज़ के लोशन और क्रीम्स वगैरह। अदीन जो है वो सेरेलेक शौक से खाती है, उसे काफ़ी पसंद है तो मैं उसके लिए ये ले रही हूँ। मुझे अपने मेरी पानी की जो बॉटल है वो टूट गई है तो अब मैं यहाँ से कोई अच्छी सी बॉटल लूँगी अपने लिए। गाइस यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही है ना कि अब हम कोई जूस पिएंगे क्योंकि यहाँ चली गई है लाइट और जिसकी वजह से जनरेटर में उन्होंने एसी नहीं लगाया हुआ। चेक करें इतना बड़ा ग्रॉसरी सेंटर है और देयर इज नो यू नो जनरेटर सिस्टम, यहाँ अगर है भी तो सिर्फ लाइट्स और पंखे चल रहे हैं। तो अब हम लोग बस लेते हैं जी कोई जूस वगैरह, या जूसेस तो उधर होंगे ना, किधर चलें। तो गाइस फ्रेश जूस नहीं है यहाँ पर, दिल तो मेरा वही कर रहा था कि मैं फ्रेश जूस पीऊँ वो नहीं है, तो अब हम दूसरा ही जूस पीते हैं। मैं तो ये खुद नहीं पीऊँ, ये जूस मिला है मुझे तो मैं पहले ये पीऊँगी, बहुत गर्मी लगी है। अदीन जल्दी से पी लो, बहुत गर्मी है। तैयब को सब्जी की ख़रीदारी करने का बहुत शौक है क्योंकि उनको मुझे पता नहीं चलता, वैसे ही कुछ ना कुछ डाल लेती हूँ लेकिन वो ज़रा सही चीज़ उठाते हैं, है ना। उनकी मॉम ने उनको ट्रेन किया हुआ है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लिए ना डिफरेंट कॉफ़ी मग्स लूँ, टी मग्स लूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर, मैं अपने लिए पिक करूँगी यहाँ से। जब भी आती हूँ ना एटलीस्ट दो नए लेटेस्ट लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से वाले ले रहे हैं? हाँ मुझे भी यही अच्छे लगे हैं, ये ले लेते ठीक है, ये दो पैक कर दे। बस ग्रॉसरी एंड कर रहे हैं, गर्मी से बुरा हाल हो गया क्योंकि इनका एसी नहीं काम कर रहा। सो ग्रॉसरीज एंड नाउ अभी बस आइसक्रीम खाने का मूड था। अदी मैं और तैयब हम आइसक्रीम खाने आए हैं यहाँ पे क्योंकि गर्मी में बस दिल करता है कि आइसक्रीम ही खाई जाए। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा फेवरेट जो है वो अदीन आपने कौन सी लिया है? रेनबो। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है, मेरी कॉटन कैंडी बनने लगी है। मेरी आपकी सेम नहीं है? हाँ मेरी वही है। आपने कौन सा खाना है? थैंक यू। तो ये तो मैं मज़े से अपनी आइसक्रीम इंजॉय करूँगी। और बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और मैंने अपने लिए ये चाय बनाई थी। मैंने कहा कि मौसम भी अच्छा है तो अब चाय पीने का दिल कर रहा था, तो अब बस मैं चाय पीऊँगी। और बाकी ये कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।